हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए चमेलियन के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रूल समझा देता हूँ। देखो, चमेलियन की एक एबिलिटी होती है कि वो ना इनविजिबल हो सकता है, बिल्कुल निंजा की तरह ही गायब हो सकता है। लेकिन निंजा के पीछे ना हरी पट्टियाँ गिरती थी, लेकिन चमेलियन के पीछे ऐसा कुछ नहीं गिरता। और आप अगर इनविजिबल हो और आपने कोई दूसरी मूवमेंट की, जैसे कि वेंट किया हो या फिर डोर क्लोज किया हो या तो फिर आपने जिमिक यूज़ किया हो, तो आपकी विजिबिलिटी टूट सकती है, यानी आप सबको दिखाई दोगे, यानी कि सबके सामने आप प्रकट हो जाओगे। बहुत ही सिंपल रोल है, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करता। मैं चमेलियन कभी लेटा ही नहीं हूँ, क्योंकि इससे अच्छे बहुत सारे इम्पोस्टर हैं। जब आप अनलॉक करोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो चलो टिप्स एंड ट्रिक्स पे आते हैं। तो सबसे पहले टिप्स आती है जेमिक्स के बारे में। तो देखो, चमेलियन के लिए सबसे बेस्ट जेमिक है जंपी शूज़। कोई दूसरा जेमिक आप यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इम्पोस्टर में जंपी शूज बेस्ट है। अगर आपको मेडबे दिखाना है तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा दीजिएगा, या फिर कोई दूसरा जेमिक ट्राई करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जंपी शूज ही बेस्ट है। अब जंपी शूज को कैसे यूज़ करना है, वो अगर आपने निंजा की टिप्स एंड ट्रिक्स देखी होगी तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। दूसरी टिप कि कोई एक बंदा गेम में आता ही है जो हमेशा कैम से देखता रहता है, या तो फिर दो बंदे रहते हैं जितने भी बैठे हो, तो उन लोगों को कैसे मारना है तो पहले देख लीजिएगा कि कैम में कितने बंदे बैठे हुए हैं। फिर आपको जाना है, जंपी शूज ऑन करना है, फिर आपको गायब हो जाना है अपनी एबिलिटी से, और फिर उसको मार के उसी इवेंट में चले जाना है। चलो मैं आपको एबिलिटी और जंपी शूज कैसे यूज़ करने हैं मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, आपको किसी को भी मारना हो तो पहले आप जंपी ऑन कर दीजिएगा, फिर आपको अपनी एबिलिटी ऑन कीजिएगा, और फिर आप उस बंदे के पास जाएगा, अकेला बंदा होना चाहिए, फिर आप उसको मार दीजिएगा। याद रखिएगा, जो बंदा अकेला घूम रहा है उसको ही ऐसे मारना है। अगर बंदे साथ घूम रहे हो तो आपको ऐसे नहीं मारना है, नहीं तो आप मारोगे और सबके सामने प्रकट हो जाओगे तो आप पकड़े जाओगे। देखो, आप पहले से गायब होके आ रहे होंगे और फिर आप जंपी शूज यूज़ करोगे तो आपकी मूवमेंट ब्रेक हो जाएगी, यानी आप विजिबल हो जाओगे। तो ऐसा आपको नहीं यूज़ करना है। आपको पहले जंपी, फिर आपको अपनी एबिलिटी, और फिर आपको जाके उस बंदे को मारना है। दूसरी मेथड है, आपको पहले उस बंदे के पास जाना होगा, उसको मार देना है, फिर जंपी लगाइएगा, फिर एबिलिटी ऑन कीजिएगा, गायब हो जाएगा, और वहाँ से भागिएगा दूर कहीं सेफ जगह पे, जहाँ पे आप विजिबल हो जाइएगा। वहाँ पे कोई होना नहीं चाहिए। आप वेंट के पास भी जा सकते हैं या फिर डोर क्लोज करके भी आप विजिबल हो सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एबिलिटी और जंपी शूज कैसे यूज़ करने हैं। तीसरी टिप के ऑटो के रिएक्टर में आपको कैसे किल करना है। तो आपको ऊपर के ऑटो पे आ जाना है और यहीं पे खड़े रह जाना है। आपको सबोटास फिक्स नहीं करना है, एक्टिंग करना है, और जो भी बंदा आएगा ठीक करने के लिए तो फिर आपको उसको आने दीजिएगा, और फिर आप गायब हो जाइएगा, और फिर उसको मार के वहां से चले जाइएगा। लेकिन एक बार याद रखिएगा कि वो जो बंदा आएगा उसका रोल वेटरन का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप खुद मर जाओगे। जो कॉमन टिप्स है हर इम्पोस्टर के लिए, वो है शुरू में लाइट ऑफ करके एक को मार दीजिएगा, या तो फिर स्पेशल रोल वाले जैसे टाइम मास्टर, स्वैपर, वाइट जैक, ऐसे रोल को भी आप शुरू में टारगेट कीजिएगा। ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो मेन टिप्स थी कि उसकी एबिलिटी को कैसे यूज़ करना है, तो मुझे आपको वही समझाना था। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। और चमेलियन रोल ना बहुत ही सिंपल है, तो हो सके तो अपने पार्टनर के साथ डबल किल कीजिएगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा। आप अपने पार्टनर को भी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि चमेलियन इतना अच्छा रोल नहीं है। ये रोल ना स्पेशली जो नए नए सुपर सेस गेम अभी खेलने के लिए आए हैं उन लोगों के लिए बनाया गया था चमेलियन। यानी चमेलियन आपको पता ही होगा कि शुरू में आपको मिल ही जाता है। और हाँ गाइस, रिएक्टर वाला सेबोटाज में भी आप ऑटो वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो। जब भी रिएक्टर का सेबोटाज आप देते हो तो रिएक्टर में चले जाइएगा, और फिर आप किसी एक साइड चले जाइएगा, या तो ऊपर हाथ रखते हैं वहीं पे चले जाइएगा, या नीचे चले जाइएगा, और कोई बंदा आता है तो आपको मार देना है, और फिर वहाँ पर गायब होकर वहाँ से रिएक्टर से बाहर निकल जाना है। या तो फिर आपको पहले से गायब होना है और जो बंदा आएगा उसको मार के तुरंत वहाँ पे वेंट करके चले जाना है। याद रखिएगा, आप किसी को मारते हो और फिर गायब हो जाते हो तो आपको वेंट नहीं यूज़ करना है। आप पहले से गायब हो और किसी को मारते हो तब आपको वेंट यूज़ कर लेना है। तो ये टिप्स ना रिएक्टर सेबोटाज के लिए है। तो आई होप गाइस आपको ये चमेलियन के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करो अपने दोस्तों को, और चैनल पर जितने भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय।
We will not fear the puny imposter.